यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार गुप्ता फ्रॉम क्षेत्र इंटर कॉलेज रात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाभ तथा हानि। लाभ मीन्स प्रॉफिट, हानि मीन्स लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। लाभ प्रॉफिट क्या है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। कोई एक बालक एक पेन 10 रुपए का लाया और उसने उसी पेन को 15 रुपए में बेच दिया, अपने दोस्तों कितने बेचा 15 रुपए में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ अर्थात प्रॉफिट, क्योंकि उसने कितने में खरीदा 10 रुपया में, बेचा कितने में 15 में, कम में खरीदा आधे में बेचा, तो क्या हुआ उसे लाभ। इसी प्रकार लॉस क्या होता है, यदि वह बालक पेन को 10 रुपए में खरीदता और अपने दोस्त को 5 रुपए में क्या करता बेचता, तो खरीदा 10 रुपए में बेचा 5 रुपए में, तो क्या होता लॉस अर्थात हानि होती। तो हम यहाँ पे लाभ तथा हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए कुछ विशेष फॉर्मूला होती है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक क्या होता है, सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदने वाला, हम कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं, हमने कोई कॉपी 10 रुपए में खरीदी, हमने कोई घड़ी 100 रुपए में खरीदी, तो खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसे कॉस्ट, इसे प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस सीपी कहलाता है क्रय मूल्य। एक इसमें होता है विक्रय मूल्य, यानी कि हम कोई वस्तु किसी को बेचे, अगर हमने कोई घड़ी 100 रुपए में बेची, तो बेचने वाला मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। ठीक। तीसरा इसमें होता है लाभ। ठीक। तो अब लाभ का फॉर्मूला यहां से आपको याद, लाभ प्रॉफिट कैसे होता है, अगर हम कोई वस्तु कम मात्रा में खरीदे और अधिक रुपए में बेचे, हमने की वस्तु कम कीमत में खरीदी और अधिक कीमत में क्या की बेची, तो हमें क्या हुआ लाभ हुआ अर्थात प्रॉफिट। तो लाभ बराबर क्या रहता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चौथा अब हानि, यदि हम वस्तु अधिक रुपए में खरीदे, कोई कॉपी हमने 100 रुपए में खरीदी और उस कॉपी को हमने 80 रुपए में बेची, 100 में खरीदी 80 रुपए में बेची, तो हमें क्या होगा इसमें हानि होगी, तो हानि मतलब लॉस होगा, तो हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपकी हानि अर्थात लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो इस प्रकार से ये लाभ का फॉर्मूला होता है, ये हानि का फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूले आपको ये याद करने, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसी से जैसे आपको लाभ दिया गया और विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य पूछे जाए, तो पक्षांतर करते हैं, इसी से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। एक आपका होता है नंबर 5, इसको जानेंगे आप, ये क्या था लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना हो, जैसे किसी बालक को 10 रुपए की फायदा हुई, उसने कोई पिछले एक पेन 20 रुपए का खरीदा और पेन को 30 रुपए में बेचा, तो खरीदा 20 में है, बेचा 30 में, प्रॉफिट कितनी हुई 10 रुपए की। अब उस प्रॉफिट को परसेंटेज में बदलना है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन सीपी,
प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन सीपी। इसी प्रकार हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रयमूल, लॉस परसेंट बराबर लॉस गुणा 100 अपॉन सीपी, तो ये आपका हानि परसेंट हो गया। तो लाभ परसेंट हानि परसेंट, तो ये आपके कुछ फॉर्मूला है जो आपको लाभ हानि और लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट में काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपए में खरीदकर 1600 रुपए में बेची। खरीदी कितने में है? 1400 रुपए में। बेची कितने में है? 1600 रुपए में। तो उसे कितना लाभ हुआ और इसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए घड़ी 1400 रुपए में खरीदी गई, तो खरीदना क्या था आपका? क्रयमूल। ठीक, तो क्रयमूल अर्थात आप देखिए क्रयमूल, क्रयमूल क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितना है? 1400 रुपया। कितने बेची गई? 1600 रुपए में। विक्रय मूल, विक्रय मूल एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है? 1600 रुपए। कम में खरीदी, ज्यादा में क्या हुई? बेची, तो क्या होगा? लाभ हुआ। तो पहले आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, लाभ कितना हुआ? तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल में से क्रय मूल घटाएंगे। एसपी का मतलब विक्रय मूल, सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल। ठीक, तो 1600 माइनस 1400 इक्वल कितना निकला? 200 रुपया। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए का। अब इस प्रॉफिट को लाभ को लाभ प्रतिशत बदलना है, तो आपको फॉर्मूला पता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रयमूल। ठीक, लाभ परसेंट होता है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, तो लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए का गुणा 100 बटे क्रयमूल, कितना है? 1400 रुपया। ठीक, दो बिंदी से दो बिंदी भेदम दो सत्य 14 इक्वल 100/7 प्रतिशत। ठीक, इसका भाग कर सकते हैं हम, तो 7 × 7 10 में 7 × 3 काम होता 30 है, 7 × 6 = 28 बची 2 × 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो इतना वो क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट। तो सवाल में क्रय मूल दिया गया था, विक्रय मूल दिया गया था, सबसे पहले आपने क्या निकाला? लाभ निकाला। लाभ निकालने के बाद आप लाभ परसेंट को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गीता ने एक साड़ी 750 रुपए बेची। कितने बेची? 750 रुपए बेची। तो आप देखिए विक्रय मूल, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल, इसे बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है? 750 रुपया। उसे 125 रुपये की हानि हुई, लॉस हो गया। हानि कैसे हो गया? हानि, तो हानि कितनी हुई आपको? 125 रुपये की। तो कितने में खरीदी हुई? क्या निकालना है? क्रयमूल। क्या निकालना है? क्रयमूल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो विक्रयमूल है क्रयमूल और क्या हानि, तो आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? आप लिख सकते हैं हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। ठीक, तो हानि कितनी है? 125, और क्रयमूल पता नहीं, तो क्रयमूल का क्रयमूल के माइनस विक्रयमूल कितना? 750। 700 का इस बगल आएगा, तो 125 प्लस 750 बराबर सीपी। क्रयमूल का मतलब क्या है? सीपी जोड़िए 5, 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 850। तो सीपी आ गया, अतः साड़ी का क्रयमूल कितना है? मौका समझ सकते हैं, खरीदी कितने में, वो बेची कितने में? 750 में। हानि कितनी की? 125। इसका मतलब अगर हानि हुई है, इसका मतलब 750 से ज्यादा में खरीदी होगी, 750 रुपए से ज्यादा में खरीदी हुई तब तो हानि हुई। तो हानि का
हैं विक्रय मूल्य जोड़ दो, तो सीधे आप निकाल सकते हैं क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने संतरे 90 रुपए में खरीदकर 80 रुपए में बेच दिए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब इसे बताना आपको तो लाभ हो रहा है कि हानि, तो यदि आप खरीदे 90 रुपए में, ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, तो 90 में खरीदे 10 में बेचे तो उसे क्या होगा हानि होगी। तो आप देख सकते हैं कितने में खरीदे 90 रुपए में खरीदे तो आपका हो गया सीपी बराबर 90 रुपया, सीपी का मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, 80 रुपए बेचे तो एसपी आपका हो गया 80 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो अब उसे अधिक में खरीदे और कम में बेचे तो क्या होगा उसे लॉस हानि जाएगी, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, तो लॉस 90 माइनस 80 इक्वल 10 रुपया, कितने रुपया का लॉस होगा 10 रुपए का। अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस प्रतिशत बराबर लॉस गुणा 100 बटे सीपी क्रय मूल्य, ठीक, लॉस 10 रुपए का हुआ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 90 रुपया, एक दूसरी चीज लीजिए इक्वल 100 बटे 9 प्रतिशत, ठीक, इसे हम गिना कर सकते हैं तो 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, तो कितने परसेंट का लॉस होगा, लॉस मीन हानि। सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है, एल का मतलब क्या है हानि, हानि मीन लॉस होता है, फिर लॉस परसेंट आप ज्ञात कर सकते हैं। इस पे एक मकान 48,000 रुपए में खरीदा गया और उसकी रंगाई पुताई में 2,000 रुपए का और खर्च आया, बाद में उसने मकान को 60,000 रुपए में बेच दिया गया, तो बताना उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। पहले किस्ते में खरीदा गया 48,000 में, ये जेब से खर्च ये भी हुआ और 2,000 रुपए से काम है उसकी रंगाई करने में पुताई करने में, तो उसे टोटल कितना खर्च आया, तो जो आपका सीपी होगा क्रय मूल्य आपका सीपी बनेगा 48,000 इतने में खरीदा प्लस जेब से जेब से गया और जेब क्या हुआ उसने रंगाई पुताई खर्च कर जेब से जेब से गया तो उसने कल कितना खर्च किया मकान में, जो टोटल खर्च होता है वो कहलाता है सीपी, प्लस 2,000 कर देंगे तो आपका जो सीपी बनेगा वो कहलाएगा 50,000 रुपया। अब आपका एसपी कितने में बेचा, बारहवें मकान को 60,000 रुपए में बेचा गया, 60,000 रुपए में बेचा गया तो उसे अब खरीदा कितने में 50,000 में, बेचे कितने में 60,000, क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, 60,000 माइनस 50,000 कितना आएगा 10,000, ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 रुपया। अब इसे निकालना परसेंटेज में, तो आप लिखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट 10,000 गुणा 100 अपॉन सीपी 50,000, पांच का भाग करेंगे 5×10 20%, तो कितना हो जाएगा इसका 20%, तो इस प्रकार से भी आप प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी ₹1,500 में खरीदकर ₹200 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो इसमें आपको पहले सीपी ज्ञात करें कितना है, एसपी ज्ञात करें कितना है, फिर आप चेक कर पाएंगे इसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे सीपी क्रय मूल्य, सीपी मीन्स क्रय मूल्य, 10 किलो घी कितने में खरीदा 1,500 में, सीपी आप बना 1,500, ठीक 1,500 रुपी, एसपी बेचा 200 रुपया प्रति किलो, प्रति माने 1 किलो घी 200 बेचा, घी कितना था 10 किलो, तो एसपी बनेगा आपका 200 रुपया प्रति किलो, कितना किलो है 10 किलो है इक्वल 2,000 रुपया, ठीक, तो सीपी एक्स सीपी आपका 1,500 रुपया हो गया, एसपी कितना हो गया 2,000 रुपया हो गया।
अब कम में खरीदा और अधिक में बेचा तो क्या हुआ आपको प्रॉफिट लेवल प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी 2000 माइनस 1500 इक्वल कितना जाएगा 500 रुपए तो प्रॉफिट कितनी होगी फायदे कितनी आ गई 500 रुपए की अब इस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट में बदलना है तो आप सोच सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन सीपी तो इक्वल 500 गुणा 100 अपॉन सीपी कितना है 1500 तो दुबिंदी से दुबिंदी 5 एकम 5 5 की 15 इक्वल 100 बटे 3 इक्वल 10 है सही 1/3% ठीक भाग करें 10 से सही 1/3% तो इस प्रकार से इस सवाल में आपका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात हुआ तो प्यारे स्टूडेंट आपको प्रॉफिट और लॉस प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है बस आपको इस सवाल में हमें सीपी ज्ञात कर लेते हैं और एसपी ज्ञात कर लेते हैं और सीपी और एसपी आपको मालूम चल जाता है तो आप उसका प्रॉफिट और लॉस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तो आपको इस प्रश्नावली के सारे सवालों को बहुत ही सावधानी से और विद्वत पूर्वक से लगाने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं आपको दिया गया है एक गाय 3600 रुपए में खरीदी गई अर्थात गाय का प्रीमियम आपको पता है सीपी पता है गाय को 10% लाभ पर बेचा गया यानी 100 रुपया में 10 रुपए की फायदा होती है 100 रुपए कितनी होती है 10 रुपए की फायदा होती है तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया है अब गाय कितना बिक्री गाय करना है गाय कितने में बिकेगी अर्थात गाय को उसने कितने रुपया में बेचा होगा तो इसमें आपको दो चीजें पता है सीपी पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है आपको क्या ज्ञात करना है एसपी ज्ञात करना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एसपी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए सॉल्व करेंगे सवाल को आप इन्हीं सबसे पहले गाय को 1000 रुपए में खरीदा गया आप देखिए सीपी सीपी कितना गया 3600 रुपया सीपी मीन्स क्रय मूल्य हम पूरा नहीं लेते हैं शॉर्ट टर्म लेते हैं हिंदी में लिखा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया अब आपको दिया गया 10% लाभ तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% कितना प्रॉफिट परसेंट 10% आपको निकालना है एसपी एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क इतना आप लिख लेते हैं अब आप देखिए इन तीन से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला काम करता है तो इन तीन से रिलेटेड फॉर्मूला जो होता है आपका एस टी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे आप तो एस टी बराबर आपका हो जाएगा सीपी बड़ा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 ठीक तो देखिए सीपी 3600 बड़ा 100 प्लस 10 बटे 100 दो बिंदी से ये दो बिंदी का चीनी इक्वल 36 गुणा 100 में 10 जोड़ेंगे 110 गुणा कराएंगे 0 के 0 11 से 66 6 आशा करें 6 11 की 33 6 3 9 3 3960 रुपया तो आपका एसपी कितना आ गया आपका एसपी आ गया 3960 रुपया तो खरीदे 3600 में बेची कितने में 3900 अगर इसी सवाल में वो कहता कि लाभ भी ज्ञात कीजिए लाभ भी बताइए आपको बताना सिर्फ प्रॉफिट कितने हुआ तो सीधे निकाल सकते थे प्रॉफिट बराबर तो आप कह सकते थे प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 3960 में जो बेची गई माइनस 3600 आप घटा लेंगे तो 0, 6, 9, 3 तो कितना है 360 रुपया तो ये आपका प्रॉफिट भी ज्ञात करता तो एक साइकिल 1850 रुपए में खरीद कर उसे 5% हानि पर बेच दी गई तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात किए साइकिल कितने में खरीदी गई 1850 रुपया में खरीदी गई तो आप इन्हें सीपी इक्वल कितना है 1850 रुपया कितने हानि 5% लॉस परसेंट आप लेंगे 5% लॉस परसेंट हो गया आपको निकालना है एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क तो फिर आप लेंगे फॉर्मूला एसपी बराबर सीपी गुणा 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100 तो
सीपी कितना 1850 गुणा 100 माइनस 5 बटे 100 1850 गुणा 100 में 5 नहीं 95 बटे 100 एक बिंदी से आप एक बिंदी काटेंगे तो 185 गुणा 95 बटे 10 आप 185 गुणा 95 करेंगे तो देखिए बड़ा कितना आप करेंगे तो आप हो जाएगा 1757.5 रुपए तो 1757.5 रुपए से क्या जाएगा आपका सीपी क्या हो जाएगा। हमारा आपका नेक्स्ट है एक रेडियो 12% की हानि पर तो 12% की हानि पर इतने रुपए बेचा गया तो आपका हानि परसेंट दिया गया है 12% लॉस परसेंट 12% 880 रुपए बेचा गया आपका एसपी दिया गया है 880 रुपए तो सब क्रेमुल गाय की सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी तीन चीज यहाँ पे किस फॉर्मूला होती है हमने आपको बताया है कि सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बेसिकली उसी फॉर्मूले में रखेंगे और आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला है सीपी बराबर एसपी गुणा 100 अपॉन बटन में क्या होता है या तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है या 100 माइनस लॉस क्योंकि लॉस है तो माइनस करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट होता है ठीक। तो इसे आप हल करेंगे तो आपका आएगा 880 गुणा 100 बटे 100 माइनस 12 ठीक। तो 880 गुणा 100 बटे 100 में से 12 आ रहा है 10 में से 2 गई 8 और एक हाथ नौ में से एक गई 8 ठीक। तो 88 से 88 एक बार कटेगा 10 100 से बढ़ा कराएंगे तो 1000 रुपया तो आपका सीपी कितना आया 1000 रुपया गया दिया। तो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट और लॉस प्रश्नावली को हल करते हैं। तो आपको इस प्रश्नावली के सवालों को अपनी बुक से लगाने एक्सरसाइज में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं जो आंसर रिलेटेड है तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा इनको लगाने का तरीका बताया मैंने आपको फॉर्मूले बताए इन फॉर्मूले का उपयोग करके आप प्रॉफिट और लॉस के सवालों को हल कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो शुरू से लगे एंड तक पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फॉरवर्ड हो सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस सवालों को आप अपने प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक में लगाइए और यदि आपको कोई सवाल नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक। ओके धन्यवाद।